Good morning, students. Welcome to online political science class. Today again we are moving towards a new chapter. That is from book 2, Politics in India Since Independence. And the name of the chapter is India's External Relation. It is chapter 4. Okay. In this chapter, we are going to learn about India's relation with different country, like the behavioral pattern. Okay, we are not exactly with country, behavioral pattern, the behavior, what types of behavior India is maintaining towards the other countries. So we are studying about the foreign policies of India. In foreign policies, we are studying about the pattern, structure, trend, about what India has followed to maintain her dignity at the international level and also at the national level. And by keeping distance from the two blocks, how did India maintain its individuality? And they have became successful also in maintaining their individuality. Okay, so we are studying about this thing, factors determining foreign policies. So before going to this area, let me first of all tell you what is foreign policies. Foreign policies ka matlab kya hota hai? जब सोच लो इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ डील कर रहा है या फिर कुछ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है, ओके, दैट रिलेशनशिप इज नोन एज फॉरेन रिलेशन. इट मे बी इकोनॉमिक, इट मे बी पॉलिटिकल, इट मे बी डिप्लोमेटिक, इट मे बी कल्चरल, इट मे बी स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हो सकता है. रिलेशनशिप में कम फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर. तो फॉरेन रिलेशन बेसिकली इसको ही बोलते हैं कि हम एक कंट्री डिफरेंट कंट्री के साथ क्या रिलेशन मेंटेन करके जा रहे हैं. तो इंडिया का जो रिलेशनशिप है डिफरेंट कंट्री के साथ बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था. ओके, एक अनडेवलप्ड कंट्री था फर्स्ट में, देन इट बिकेम ए डेवलपिंग कंट्री, एंड आफ्टर सम टाइम मे बी इंडिया विल बी रेटेड एज ए डेवलप्ड कंट्री. वो तो अभी पता नहीं क्या होगा, बट इंडिया ने अपने आप को मेंटेन करके रखा है. Because India always believed in something called to preserve the dignity of its own country and also to maintain the sovereignty and to respect the sovereignty of other countries, to not interfere in different countries' matters, to maintain mutual relations with the other countries, to maintain friendly relationship with the other countries, to maintain peace and security with the other कंट्रीज. तो हमारा जो नेबर्स है, वी आर वेरी गुड नेबर्स. हमारे साथ, हमारे नेपाल के साथ भी संबंध अच्छा है, हमारा बांग्लादेश के साथ भी संबंध अच्छा है, जो देखा हमने ऑलरेडी, श्रीलंका के साथ भी अच्छा है, मालदीव्स के साथ भी अच्छा है, उसके बाद और कौन गिरता है, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छा है, चाइना के साथ थोड़ा बहुत खराब है, फिर थोड़ा अच्छा है, अभी इट्स समहाउ गोइंग ऑन, और पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है. सो लेट्स होप कि ये खत्म हो जाए कभी ये और अच्छा हो जाए. उसके बाद बाहर में अगर हम जाएंगे तो वी आर हैविंग वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, यूएस एक मेजर कंट्री जो है उसके साथ भी अच्छा है, लेकिन ये तो अभी का बात है. कभी एक टाइम में था जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ अभी क्या करे ज्वाइनिंग टू ब्लॉक. अगर आपको याद है, हमने जब कोल्ड वॉर पढ़ा था तब उसमें दो ब्लॉक था. कौन सा दो ब्लॉक? वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक, नेटो एंड वार्सो पैक्ट. नेटो रन बाय यूएस, वार्सो पैक्ट रन बाय यूएसएसआर. तो उस टाइम में इंडिया के पास ऑप्शन था कि वो दो ब्लॉक में वो ज्वाइन करे, क्योंकि एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एक था कम्युनिस्ट ब्लॉक. बट इंडिया हैज नॉट गॉन इन दिस मैटर. इंस्टेड इंडिया हैज मेंटेन इट्स डिग्निटी. बिकॉज जैसे कि आर्टिकल 51 में लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 51 में लिखा है, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड टू मेंटेन इट्स इंडिविजुअल डिग्निटी. तो अगर टू ब्लॉक में घुसे इंडिया तो दे हैव टू बी ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट कंट्रीज और दैट ब्लॉक. सो उन्होंने क्या किया, उसमें ना घुस के दे हैव चूज टू एडॉप्ट समथिंग कॉल नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो अगर आपको याद है, नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने कोल्ड वॉर में पढ़ा था कि जैसे कि घाना, इंडोनेशिया, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद यूगोस्लाविया, विद दिस कंट्रीज टुगेदर उन्होंने एक अफ्रो एशियन मीटिंग किया था, कॉन्फ्रेंस किया था एट बांडुंग
ठीक है, इसका नाम गिर गया बांडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में। और उसके बाद उन्होंने उसके द्वारा उसके प्रोसेस से उन्होंने निकाला नाम। उसके बाद 1961 में फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट हुआ एट बेलग्रेड। ठीक है, तो इसके साथ नाम का जन्म हुआ। नाम का जन्म होने के मतलब हो गया कि इंडिया अपना मेंटेन कर रहा है डिग्निटी, अपना डेवलपमेंट प्रोसेस को विदाउट जॉइनिंग एनी टू ब्लॉक्स। उसके बाद हम इसमें आ सकते हैं कि अभी अगर फॉरेन पॉलिसी ले इंडिया तो कौन कौन सा मैटर में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिटरमाइन करना चाहिए। तो बहुत सारा फॉरेन पॉलिसी कोई भी कंट्री मेंटेन करता है, जैसे कि इंडिया ने मेंटेन किया है, उसका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी ज्योग्राफी। तो इंडिया ज्योग्राफी के लिए क्या है, इंडिया एक हिली रेंज है, बहुत सारा हिल एरिया से हमारा हिमालयास बेट हिमालयास आर देयर। उसके बाद कंचनजंगा इज देयर जो हमारा टच करता है, अरावली से बहुत सारा माउंटेन है, माउंट ग्लेशियर और बहुत सारा है जिसका हमें उसके कारण हमारा प्रोटेक्शन होता है, वी आर सम हाउ प्रोटेक्टेड। ओके, बहुत सारा एरिया हमें अपने प्रोटेक्शन दे के रखा है हमें। उसके बाद उसका जैसे कि हिस्ट्री, ओके हिस्ट्री में आता है, हिस्ट्री का कल्चर आता है, हिस्ट्री में बहुत सारे जो है, अगर हम हिस्ट्री में बैक देखें तो इंडिया अभी क्या है और कभी क्या था। ओके, इंडिया वंस अपॉन अ टाइम एक कॉलोनाइज कंट्री, वंस अपॉन अ टाइम डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्री, अभी हम फ्री कंट्री है, वी आर नॉट कॉलोनाइज कंट्री, 47 वी गॉट इंडिपेंडेंस, और बहुत सारा चीज, और बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है। ऑल दीज थिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग अस टू मेंटेन अवर डिग्निटी, टू प्रिजर्व पीस इन द वर्ल्ड विद अदर कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, हमने बहुत बलिदान दिया है। उसके बाद ये भी आ सकता है पॉलिटिकल कैरेक्टर, अभी हमारा व्हाट आर द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो पॉलिटिकल कैरेक्टर में मैं बोल सकती हूँ कि हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ये सब प्रोसेस में से हम, क्योंकि डेमोक्रेसी होगा तो फ्रीडम होगा, फ्रीडम होगा तो राइट्स होगा, राइट्स होगा तो लिबर्टी भी होगा, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। टुडे इन इंडिया वी आर लिविंग एज ए फ्री पीपुल, हमारे पास इतना सारा राइट्स है हम जो एंजॉय करते हैं, एंड गवर्नमेंटल सिस्टम स्मूथली वर्क करके जा रहा है। ओके, उसके बाद और भी है जैसे कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसके बाद बहुत सारा और भी बहुत सारा चीज है हम ले सकते हैं, हमारा कल्चर है। ओके, इंडियन कल्चर, इंडिया इज ए मल्टी रेशियल मल्टी लैंग्वेज कंट्री जिसमें हम बिलीव करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसको भी, ये भी हमारा इंडिया में हम बाहर के लोग बोलते हैं इंडिया इतना सारा भाषा, इतना सारा जाति के साथ, लैंग्वेज के साथ कैसा रहता है, वी आर लिविंग इन ए यूनिटी वाइज। ओके, मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसके बाद आता है इसमें लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी भी आता है। ओके, लीडरशिप, अभी अगर एक देश को चलाना है तो लीडरशिप भी बहुत जरूरी है। कौन इंसान गवर्नमेंटल सिस्टम को रन करके जा रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बहुत स्ट्रांग थे वो, बहुत कुछ उन्होंने स्टार्ट किया उनके टाइम में। उसके बाद इंदिरा गांधी केम, शी ऑल्सो डार्स, उन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन बना दिया। ओके, शी हैज गिवन ग्रीन सिग्नल फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन। देन केम राजीव गांधी, ही हैज ऑल्सो डन लॉट्स ऑफ थिंग फॉर द कंट्री। अभी जो हम देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी। ओके, सो टाइम टू टाइम लीडरशिप आर चेंजिंग एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग देयर वर्क, देयर एनर्जी, ओके, देयर क्या बोलते हैं, उनका पसीना, खून बहाना, सब कुछ का बलिदान होता है एक लीडरशिप का। तो नॉट ओनली सेक्रीफाइस, आप लीडरशिप क्वालिटी में आप टेक्टिक से किसी कंट्री के साथ मेंटेन करना, अपने कंट्री को लॉस ना देके प्रॉफिट में लेके जाना, बैलेंस में लेके जाना, ये भी बहुत जरूरी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंटेनिंग बाय ए गुड लीडर। ओके, सो एक कंट्री को खड़ा करने के लिए गुड लीडर का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल मैंने ऑलरेडी लिखा, फिर लिखती हूँ इकोनॉमिक। कोई भी देश इकोनॉमिकली अगर ग्रोथ नहीं करेगा तो नहीं होगा। इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो जड़ है ना, किसी भी कंट्री का जड़ जो है वो इकोनॉमिकली होता है। इकोनॉमिक जड़ अगर स्ट्रांग हो तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल लाइफ भी अच्छा ही होगा उसका। ओके, सो एनी कंट्री शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज, दे शुड बी सेल्फ रिलायंट।
जैसे कि इंडिया अपने आप को मना के जा रहा है, इंडिया इज फास्टली रेपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिकली, ओके, तो लेट्स होप कि हम इसको मेंटेन करके चले हम. सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट आर नीडेड टू मेंटेन और डिटरमाइन फॉरेन पॉलिसी. कंट्री कौन सा दिशा में जा रहा है, फॉर दिस थिंग्स आर नीडेड, ओके. उसके बाद इंटरनेशनली अगर जाएंगे तो हमें क्या मेंटेन करना चाहिए, दैट इज इंटरनेशनल लॉ, ओके, सॉरी इंटरनेशनल लॉ, ओके, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये सब कुछ भी चाहिए, ओके. उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद यूएन, बिकॉज यूएन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो है, हम वी आर ऑल्सो मेंबर ऑफ यूएन, तो हम यूएन के साथ मिलकर मेंटेनिंग पीस सिक्योरिटी ये सब कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री को हेल्प कर रहे हैं, कहीं में भी नीडेड चाहिए होगा तो हम हेल्प कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम शांति से रहे पूरा देश के साथ, ओके. फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन में हम डिफरेंट कंट्री के साथ नेगोशिएटरी रोल प्ले कर रहे हैं. नेगोशिएटरी मतलब किसी भी कंट्री के साथ प्रॉब्लम हो गया तो यू शुड नॉट गो फॉर वार और कॉन्फ्लिक्ट, वी शुड गो फॉर नेगोशिएशन और फॉर डिस्कशन. उसके बाद इंटरनेशनल लॉ में वी आर मेंटेनिंग इंटरनेशनल लॉ, हम इंटरनेशनल लॉ को भी मान के चल रहे हैं. तो फॉरेन पॉलिसी में ये सब कुछ चाहिए, ये सब कुछ होगा तो देन ए कंट्री कैन बिकम ए सक्सेसफुल, ओके. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर टेकन अप कि मेंटेन करके इंडिया इज डिटरमाइनिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी इन नेशनल स्फीयर एंड ऑल्सो इन इंटरनेशनल स्फीयर, ओके. सो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.